नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। यूं तो वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी के चाहने वालों की संख्या लाखों में है, उनको मानने वालों की संख्या लाखों में है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं था। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीवनी के बारे में, उनके राजनैतिक एवं व्यक्तिगत जीवन के तमाम संकट, मुसीबत और अनन्य संघर्षों के बारे में। आज हम बात करेंगे धामी के बाल्यकाल से लेकर अब तक के तमाम संघर्षों के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म एक बहुत ही बड़ी बिजनेस टाइकून फैमिली और बड़े राजनीतिक घराने में नहीं हुआ है, बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म सन 1975 में 16 सितंबर दिन मंगलवार को एक भारतीय सैनिक के घर में हुआ था। वे भारतीय सैनिक थे शेर सिंह धामी। धामी की आरंभिक शिक्षा उनकी जन्मस्थली पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में ही संपन्न हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बताया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी बाल्यकाल से ही पढ़ाई लिखाई में खूब आगे रहा करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही धामी ने LLB की पढ़ाई भी पूरी की थी। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय धामी के प्रारंभिक राजनैतिक जीवन का गढ़ माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा है। उनके पास छात्र राजनीति के दौरान भी कई अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। लखनऊ में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक होने की उपलब्धि भी धामी के ही खाते में दर्ज है। सन 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के OSD के पद पर भी पुष्कर सिंह धामी रह चुके हैं। इसके बाद धामी सन 2002 से सन 2008 तक दो बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक आम सैनिक परिवार में जन्मे पुष्कर धामी की संघर्ष गाथा यही नहीं थमती है। वो साल था सन 2010 का। धामी को दर्जाधारी राज्य मंत्री का पद सौंप दिया गया। 2010 से 2012 तक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। बेशक एक आम छात्र नेता से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने तक का जो सफर था, उसमें लाखों कांटों की बौछार धामी पर हुई, परंतु धामी यहां भी नहीं रुके। सन 2012 में उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा से धामी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और ऐतिहासिक जीत हासिल करके झंडे गाड़ दिए और विधायक बन गए। 2012 से 2017 तक विधायक के रूप में सेवा देने के बाद एक बार पुनः 2017 में भाजपा के टिकट पर खटीमा से चुनाव लड़े और दोबारा ऐतिहासिक फतह हासिल कर गए। इसके बाद 2017 से सन 2022 तक दोबारा खटीमा की जनता की भरपूर सेवा करने के बाद पुनः खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़े, परंतु 2022 में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने धामी को 6,951 मतों से जोरदार पटकनी दे डाली। अब यहां सारा खेल इस बात पर अटक गया कि आखिर अपनी ही विधानसभा को भारी मतों से गवा चुके पुष्कर सिंह धामी आखिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। इस बीच उत्तराखंड की गरमाई राजनीति में एक नए देवदूत की एंट्री होती है, बड़े जानदार तरीके से। वो देवदूत कोई और नहीं बल्कि भाजपा के टिकट पर चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने और जीतने वाले कैलाश चंद्र गहतोड़ी थे। इस बीच कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अचानक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं
पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट त्यागने को तैयार हूं। ऐसे में सर्वसम्मति से कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने पुष्कर सिंह धामी के लिए राम का हनुमान बनकर अपनी जीती हुई सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चंपावत विधानसभा में उपचुनाव कराए जाने की बात पक्की हो गई। 2022 में चंपावत विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़वाया गया। इसका नतीजा यह रहा कि पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव तो जीत गए, जिसके बाद इन्हें सर्वसम्मति से एक बार फिर उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। अब मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर आसीन हो गए, जिसके बाद वर्तमान समय तक वे हमारे प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं। कुछ इतना भी आसान नहीं था यह सब कुछ जितना बताया, दिखाया और सुनाया जाता है। ऐसे में वर्तमान समय में युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ चुके पुष्कर सिंह धामी की ये जो संघर्ष गाथा रही है, इस संघर्ष गाथा को सुनकर के आप क्या महसूस करते हैं? पुष्कर सिंह धामी की इस पूरी जीवनी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हर एक उत्तराखंडी के मोबाइल फोन की स्क्रीन तक पहुंचाने का काम भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।